23 अगस्त 2023 ये दिन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तारीख आज भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। जी हाँ, भारत के मोस्ट अवेटेड मून मिशन चंद्रयान 3 ने आखिर चांद के उस हिस्से पर कदम रख दिया है जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। इस ऐतिहासिक पल के गवाह देश की 140 करोड़ की जनता बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अब चंदा मामा दूर नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल जहां ना पहुंचा कोई, वहां पहुंचा इसरो, वहां पहुंचा भारत, वहां पहुंचा वो देश जो कभी विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, उसने अब फिर से इस नाम को पाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में वो कर दिखाया है जिसे बड़े से बड़े सूरमा, बड़े से बड़े शक्तिशाली देश तक नहीं कर पाए। भारत अब चांद के उस हिस्से पर पहुंच गया है जहां तक पहुंचने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने भरकस कोशिश की। लेकिन सफलता तो भारत के भाग्य में ही लिखी थी, जिसने भारत का भाग्य ही नहीं बल्कि नाम भी चांद की धरती पर गाड़ दिया, जिसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मिटा सकता। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति से असंभव दिखने वाला काम संभव कर दिखाया। इसरो के मिशन मून चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के पास सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक पल को देश के 140 करोड़ देशवासियों ने अपनी आंखों से देखा। इसका लाइव प्रसारण दूरदर्शन इसरो के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर किया गया था। देश भर के स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रतिष्ठानों में इस ऐतिहासिक क्षण को देखकर लोगों ने अपनी आंखों में कैद कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली लाइव जुड़े थे। उन्होंने इस मिशन को लेकर इसरो के साइंटिस्ट्स को बधाई दी और उन्होंने ये भी कहा कि चांद मामा दूर की कहावत को भारत ने हमेशा के लिए बदल दिया है। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के इस हिस्से में उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन चंद्रमा पर गए हैं वो चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। ब्रह्मांड के इस हिस्से में भारत का परचम लहराने में वैज्ञानिकों ही नहीं देश भर की आम जनता के बीच भी भारी उत्साह देखा जा रहा है और सॉफ्ट लैंडिंग से वाकिफ हर भारतीय का चेहरा खुशी से दमक रहा है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से जहां भारत का स्पेस पावर के रूप में उभरा है, तो वहीं इसरो का दुनिया की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मुकाबले कद कहीं ऊंचा हो गया है। देशवासी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं और उनके काम की जमकर सराहना कर रहे हैं। देश भर में जश्न का माहौल है। भारत के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी पूरे इसरो के वैज्ञानिक और चेयरमैन रहे एस सोमनाथ। उन्होंने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us
in the last many days who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir. And Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao, they have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. भारत की इस कामयाबी के पीछे इसरो का कितना बड़ा हाथ है ये किसी से छुपा नहीं है, ना ही इसे शब्दों में बयां किया जाता है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इसरो के साइंटिस्ट इस मिशन को पूरा करने में जी जान से लगे हुए थे। इस मिशन को लेकर तो कई वैज्ञानिक रातों से सोए नहीं, तो अब भी वे खुशी के मारे सो नहीं पाएंगे। इस मिशन के सफल होते ही ये साइंटिस्ट खुशी से झूमने लगे। इस सफलता को लेकर बड़े बड़े नेताओं ने बधाई दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस खुशी के मौके पर प्रदेश वासियों को संबोधित किया और बधाई दी। चंद्रमा पर मिस्टर नील आर्मस्ट्रांग और मिस्टर बज ऑल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, उसमें भी मैंने देखा था जिंदगी के अंदर अपने बचपन के अंदर 20 जुलाई 1969। आज आप देख लो किस प्रकार से 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव में पहली बार लैंडिंग हुई है। इसके लिए इसरो के और तमाम साइंटिस्ट जो है देश के, उन सबको मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चर्चा और सरगर्मी 14 जुलाई को इसके लॉन्च के साथ ही जोर पकड़ गई थी, लेकिन बुधवार 23 अगस्त की शाम जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 5:30 बजाए, हर किसी की आंख सॉफ्ट लैंडिंग के घटनाक्रम पर टिक गई। भरपूर रोमांच से इस भरे पल में आम इंसान के दिल भी उतनी जोर से धड़के जितने की इसरो वैज्ञानिकों के। और फिर वो क्षण आया जब लैंडर विक्रम ने चंद्र सतह को छुआ और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी हुई। इसरो ने 6:04 का समय इसके लिए निर्धारित किया था। अब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलकर अपने काम पर लग गया है। इसमें पहिए और नेविगेशन कैमरे लगे हुए हैं। ये चंद्रमा के परिवेश का इन सिटू यानी कि जगह जगह का विश्लेषण करेगा और जानकारी लैंडर विक्रम के साथ साझा करेगा। लैंडर विक्रम धरती पर वैज्ञानिकों से सीधे कम्युनिकेट करेगा। इस तरह चंद्रमा के बारे में रहस्यमय जानकारी पृथ्वी पर हम तक आ सकेगी, जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। चांद पर पहुंचना इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। चंद्रयान 3 को लेकर देश में जो माहौल बना वो वाकई तारीफ के लायक है। चंद्रयान 3 के इस मिशन ने पूरे देश को एक कर दिया। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है, किस जात से है, हर किसी ने चंद्रयान पर भारत की सफलता के लिए प्रार्थना की। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, चंद्रयान 3 को लेकर ये माहौल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी देखा गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के लिए चंद्रयान 3 का ये मिशन कितना अहम और बड़ा है वो बताने के लिए देश में जो माहौल बना उसने इसकी पूरी कहानी कह दी। पूरे देश में पूजा पाठ प्रार्थना का दौर जारी रहा। मंदिर, मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों पर हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने की प्रार्थना की। वो देश को विश्व के पटल पर अपना झंडा गाड़ते हुए देखना चाहते हैं। अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुआ था, जिसका मिशन बुधवार यानी कि 23 अगस्त को पूरा हुआ। इससे पहले 2 चांद पर ये मिशन किया जा चुका है जो कि असफल रहा था। ऐसे में पूरे विश्व की नजर चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर टिकी हुई थी। चंद्रयान 3 को सफलता हाथ लगे इसे लेकर पूरे देश के कोने कोने में लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। लोगों ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं मांगी। प्रार्थना कर प्रेयर करने आई हूँ यहाँ पे फ्रेंड के साथ, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी द चंद्रयान 3। चंद्रयान के सक्सेस के लिए हम आज प्रेयर किए हैं।
इस दौरान बड़ों से लेकर बच्चों तक में एक गजब का उत्साह दिखाई दिया। भगवान के समक्ष सर झुकाए हर कोई अपने देश के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना कर रहा था। उनका विश्वास था कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल होगा। स्कूलों में इसे लेकर पहले से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। छोटे से लेकर बड़ी कक्षाओं के बच्चे चंद्रयान 3 को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। लगभग सभी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग मूवमेंट को लाइव देखा। आज हमारे स्कूल में ये फेस पेंटिंग हुई है जो कि चंद्रयान के लिए की गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस दिन 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसी दिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट जाग गई थी। चंद्रयान 3 को लेकर देश के कोने कोने में लोग काफी जिज्ञासु नजर आए। पद्मश्री अवार्ड सुदर्शन पटनायक ने इसरो के इस मिशन पर सैंड आर्ट बनाकर अपनी शुभकामनाएं दी। सबसे खास बात तो ये रही कि उनकी ये कला इस बार भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में भी दिखाई गई। चंद्रयान 3 को लेकर जैसा माहौल भारत में दिखा, लगभग वैसा ही नजारा सात समुंदर पार अमेरिका में भी देखने को मिला। यहाँ लोगों ने भारत के इस मिशन के पूरा होने के लिए दुआएं की और भारत का तिरंगा चंद्रमा पर दोबारा लहरते देखने की इच्छा जाहिर की। Involved in this unprecedented moon landing, the southernmost part of the moon. Very impressive. All of us are here in Denver, Colorado, celebrating the landing of Chandrayana 3 in the surface of moon today. And we are very, very delighted to be a part of this history with the creator of this wonderful sand art. कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना पूजा हिरवाड़े ने नमो नमो भारत मांबे और चंद्रयान गान पर शानदार भरतनाट्यम भी पेश किया, जो एक तरह से इस चंद्रयान 3 को यादगार बनाने के लिए किया गया। पूजा हिरवाड़े का कहना है कि चंद्रयान 3 को यादगार बनाने के लिए उन्होंने चंद्रयान एंथम पर भरतनाट्यम किया। ये पूरे भारत के लिए एक गौरव और ऐतिहासिक क्षण है। चंद्रयान 3 मिशन भारत और भारत की स्पेस एजेंसी के लिए कितना फायदेमंद होगा और इससे रिसर्च के क्षेत्र में क्या संभावनाएं निकलेंगी, इसका जवाब देते हुए स्पेस रिसर्च स्पेशलिस्ट और नेहरू तारामंडल की प्रोग्रामिंग हेड कहती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रयान 3 भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि इससे आने वाले भविष्य में आज के छात्र नए शोध कर पाएंगे। क्यों अहम है, इस मिशन से भारत के खाते में क्या आने वाला है, इसरो के इतिहास में यह मिशन क्या खास करने वाला है और क्या इस मिशन से भारत वैश्विक पटल पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ पाएगा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आम लोगों में आ रहे हैं। हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता है, तो हम इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो का ये चंद्रयान 3 मिशन देश के नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है और जितनी तेजी से विश्व में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाता जा रहा है, उससे पूरे विश्व की निगाहें भारत के इस मिशन पर अड़ी हुई है। एक जो वक्त था जब 1975 में देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना कदम रखा था, तब भारत को सोवियत संघ का साथ मिला था, जिसके दम पर भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम भी जोड़ लिया था। तो इसके ठीक 47 साल बाद भारत का दम बदल चुका है। भारत को स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने संगठन के साथ ये तय कर लिया था कि भारत को जमीन से लेकर आसमान और इससे भी परे अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाना है। और ये भी बीते 10 सालों के रिकॉर्ड को अगर देखें तो भारत ने इस दरमियान स्पेस सेक्टर में अपनी अलग छाप छोड़ी है। कुछ दशक पहले वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ ही देशों का वर्चस्व था, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन का दबदबा था, लेकिन ये भारतीय विज्ञानियों की मेहनत और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इस मोर्चे पर भारत अब विकसित देशों के साथ खड़ा हुआ है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के अनुसार साल 2020 में एक भारत का अंतरिक्ष बाजार $9.6 अरब था,
जो सरकार और निजी सहभागिता से 2025 तक बढ़कर 13 अरब डॉलर हो जाएगा। 2020 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 450 अरब डॉलर थी, जो 2025 तक बढ़कर 600 अरब डॉलर होने की संभावना है। 2014 में भारत पहला देश बना जो पहले ही चंद्रयान 3 के बारे में एक बात और जानना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान और चंद्रमा पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है, क्यों दुनिया भर के देश चांद के पास पहुंचना चाहते हैं, क्यों अमेरिका, चीन और रूस धरती के बाद चांद पर सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हैं। तो आपके इन सवालों के भी जवाब दे देते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत का लूनर मिशन आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका, रूस, चीन से लेकर हर छोटा बड़ा देश इस मिशन को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिर भारत उस मिशन पर काम कर रहा है जिसे आज तक कोई भी शक्तिशाली देश पूरा नहीं कर पाए, और वो मिशन है चांद के उस दक्षिणी ध्रुव यानी कि उस साउथ पोल पर पहुंचना, जो ना तो हमें धरती से दिखाई देता है और ना ही उस हिस्से को अभी तक किसी ने देखा, और ना वहां तक पहुंचना आसान है। लेकिन इसरो के इस मिशन के लॉन्च बाद से ही दुनिया भर की निगाहें भारत की तरफ देख रही हैं, क्योंकि इस मिशन के सफल होने से चांद के बारे में कई अज्ञात रहस्यों की जानकारी मिल पाएगी। चांद के इस इलाके में बर्फ के रूप में पानी की खोज पहले ही की जा चुकी है। इसे चंद्रमा का सबसे कीमती संसाधन बताया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। इस बीच दुनिया भर के देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अपने अंतरिक्ष यान भेजने में जुटे हुए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर भारत के अलावा अमेरिका, रूस, इजराइल और जापान ने अभी तक अपने अंतरिक्ष यान भेजे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सफल लैंड नहीं कर सका। आपको बता दें कि चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे जा चुके हैं। 111 में से 66 मिशन सफल हुए तो 41 फेल हुए हैं और 8 आशंकित सफल हुए। अंतरिक्ष विज्ञानी कहते हैं कि इन मून मिशन की 50% सफल होने की संभावना रहती है। साल 1958 से 2023 तक कुछ देशों ने मून मिशन शुरू किए गए, इनमें भारत, अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, चीन, इजराइल मून मिशन भेजे जा चुके। इन मिशन में इम्पैक्टर, ऑर्बिटर, लैंडर रोवर और फ्लाई बाय शामिल किए गए। आपको बता दें कि 2000 से 2009 तक कुल 6 लूनर मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें यूरोप का स्मार्ट 1, जापान का सेलेन, चीन का चांगई 1, भारत का चंद्रयान 1 और अमेरिका का लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर शामिल है। वहीं 1990 से अब तक 21 मून मिशन भेजे जा चुके हैं। जानकार बताते हैं कि वैज्ञानिक चांद पर सदियों से मौजूद पानी से जमी बर्फ की जांच करना चाहते हैं, क्योंकि वो चांद के ज्वालामुखियों, धूमकेतुओं और शब्द ग्रहों से धरती पर पहुंची चीजों और महासागरों के बनने की खुलासा करते हैं, क्योंकि इनकी भी अभी तक सिर्फ तर्क ही दिए गए हैं, पुख्ता प्रमाण अब तक नहीं मिल पाया। अगर पानी की बर्फ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो ये चंद्रमा की खोज के लिए पीने के पानी का एक स्रोत हो सकता है और उपकरणों को ठंडा रखने में मदद करता है। इससे ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए भी तोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, चांद पर मौजूद इस बर्फ से मंगल ग्रह पर इंसानों के मार्स मिशन और चंद्रमा पर खनन वाले मिशनों में मदद मिल सकती है। 1960 के दशक की शुरुआत में पहली अपोलो लैंडिंग से पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद हो सकता है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में अपोलो क्रू से विश्लेषण के लिए लौटाए गए नमूने सूखे प्रतीत हुए। 2008 की बात करें तो 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नई तकनीक के साथ उन चांद से आए उन नमूनों का दोबारा निरीक्षण किया और उन कणों को अंदर हाइड्रोजन पाया, जिससे साबित हो जाता है कि चांद पर पानी की संभावनाएं हैं। चांद पर इन कीमती चीजों के चलते ही रूस, चीन, अमेरिका और अब भारत चांद पर अपना अपना मिशन भेज रहा है। बता दें कि सबसे पहले रूस ने अपना मिशन चांद पर भेजा था। 3 फरवरी 1966 में लूना 9 चांद पर उतरने वाला पहला मिशन था। तब से 19 अगस्त 1976 के बीच 8 सॉफ्ट लैंडिंग वाले लूना मिशन हुए, जिसमें लूना 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 और 24 शामिल हैं। लेकिन रूस कभी भी चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों उतार नहीं पाया। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए। रूस के लैंडर के उतरने के 3 महीने बाद अमेरिका ने 1966 में सबसे पहले अपना मिशन भेजा था, जिसका नाम था अपोलो।
2 जून 1966 से 11 दिसंबर 1972 के बीच अमेरिका ने 11 बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। इसमें सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट के 5 मिशन थे, 6 मिशन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के थे। इसी के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिनके बाद 24 अमरीकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए। अमेरिका का पहला लैंडर चंद्रमा पर 20 मई 1966 में उतरा था। रूस और अमेरिका को देखते हुए चीन ने 14 सितंबर 2013 को पहली बार चांद पर चांगई 3 मिशन उतारा। 3 जनवरी 2019 को चांगई 4 मिशन उतरा। 1 दिसंबर 2020 को तीसरा मिशन चांगई 5 उतरा। इसमें से आखिरी वाला रिटर्न मिशन था, यानी कि चांद से सैंपल लेकर आने वाला मिशन। अपने 2 चंद्रयान मिशन असफल होने के बाद अब भारत ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा। आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 23 अगस्त यानी कि बुधवार का दिन ही सबसे मुनासिब बताया गया था। इसके पीछे एक कारण है जो कहता है कि चांद पर आज से सिर्फ 14 दिन तक चांद के एक हिस्से पर सूरज की रोशनी होगी, क्योंकि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है। चांद पर 14 दिन रात और 14 दिन का एक दिन होता है। अब 23 अगस्त से चांद पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिससे 23 अगस्त से अगले 14 दिनों तक चांद पर सूर्य की रोशनी रहेगी। ऐसे में विक्रम लैंडर और रोवर आसानी से अगले 14 दिन तक काम कर सकते हैं। कोविड्स ऑपरेशन एंड एवरीबॉडी इज एंग्शियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ग्रेट इवेंट। एज़ फार एज़ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज कंसर्न्ड, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। Of course, in the past, we have made an attempt to land on the lunar surface, but unfortunately, it did not succeed at the time. Since then, ISRO has done considerable studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission success probability can be improved. यदि आप वहाँ की जमीन की तस्वीरें देखें, और जैसे कि लैंडर ने बहुत सी तस्वीरें भेजी और इसरो ने जो है सोशल मीडिया में शेयर की हैं, उससे साफ जाहिर है कि चंद्रमा जो है गड्ढों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी समतल जगह की तलाश जो है वो जो है वाकई में एक बहुत पेचीदा काम है। लेकिन जो है आप ये देखिए कि इसरो ने इस काम को जो है लिया अपने हाथ में। चंद्रयान 2 के समय जो एक किस्म से हमें निराशा हाथ में लगी, उसके ऊपर हम पार पा करके चंद्रयान 3 को, इसके लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर आज पहुंचाने जा रहे हैं। तो विश्वगुरु भारत ने आज सबसे कम खर्च में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा, और ये साबित कर दिया कि विश्वगुरु तो भारत ही है।